हे फूडी, सो मैं लेकर आई हूँ ब्रेड लजानिया रेसिपी, जिसे हम घर पर भी बना सकते हैं। आप चाहिए तो ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फॉलो करेंगे हम कुछ सिंपल स्टेप। पहले हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। उसके लिए हम 1 टेबल स्पून बटर लेंगे एक पैन में। उसके बाद मैंने एक रोल ओट्स का फ्लोर बना के लिया है। आप उसको रोस्ट करके उसका मिक्सचर कर सकते हैं। उसके बाद 1 कप मिल्क लेके बटर में उसको मिक्स कर देना है। फिर हमें ओरिगानो लेना है 1 टेबल स्पून एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। उसके बाद मिक्स कर लेना अच्छे से ताकि लम्स ना रह जाए। एड 1 क्यूब चीज़, उससे भी हमें रेस्ट करने रख देना है वो मेल्ट होने के बाद। अब हम बनाएंगे रेड सॉस, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है पैन में और 1.5 टेबल स्पून गार्लिक लिया है जो हमें सौते करना है। उसके बाद मैंने 1 कप ऑनियन की ग्रेवी ली है जो हम सौते करेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद मैंने 1/2 कप टमाटो लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे एज़ पर योर टेस्ट ताकि वो गल जाए। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून ऑरिगानो लेंगे। उसके बाद मैंने बीटरूट पाउडर डाला है। आप चाहिए तो बीटरूट का जूस भी डाल सकते हैं ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। उसके बाद 1 टेबल स्पून पेपरिका लिया है और इसे रेड सॉस हमारा तैयार है। फिर हम वेजिटेबल्स को टॉपिंग करने के लिए 1 टेबल स्पून बटर लिया है। इसमें हम 1/2 कप चॉप कैरेट डालेंगे, 3/4 कप कैप्सिकम डालेंगे, 1/2 कप स्वीट कॉर्न डालेंगे और नमक डालेंगे इस पे योर टेस्ट। और 1 टेबल स्पून पेपरिका डालना है। 1/2 टेबल स्पून ऑरिगैनो डालना है। अगर आप चाहते हैं तो इसे तीखा नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो पेपरिका। उसके बाद असेंबल करने के लिए एक मैंने कांच की प्लेट ली है। आप चाहिए तो एल्यूमिनियम मोल्ड भी ले सकते हो जिसमें केक बनाते हैं। उसमें हम व्हाइट सॉस एंड रेड सॉस की लेयर बनाएंगे। उसके बाद हम वेजीज का मिक्सचर का लेयर बनाएंगे, उसको अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद हम ब्रेड की एक लेयर बनाएंगे। उसके पास हम रेड सॉस की लेयर बनाएंगे। उसके बाद हम व्हाइट सॉस के साथ इस पे अच्छे से चीज़ स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम चीज़ की लेयर के बाद वेजीज डालेंगे। उसके बाद अगेन ब्रेड स्लाइस डालेंगे। उसके बाद रिपीट करेंगे प्रोसेस विद व्हाइट सॉस एंड रेड सॉस मिक्सचर। उसके बाद वेजीज डाल के उस पे चीज़ डाल देंगे। मैंने मोजरेला चीज़ ली है करीब 1/2 कप। आप इसमें स्प्रिंकल ऑरिगानो और पेपरिका भी ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं ताकि इसकी अलग अच्छे से अरोमा आ जाए। और मैंने इसे 180 डिग्री पर ओवन में प्रीहीट करने के बाद 15 मिनट्स बेक किया है। आप इसे गैस पे भी कर सकते हो और इसे कट करके इंजॉय। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार है। थैंक यू। Please subscribe and share this video if you